चलो बेटा, मैं द कॉमर्स हब से फाउंडर एंड डायरेक्टर शिवम तिवारी आज आपसे बात करने वाला हूँ अपने 11th के या 12th के बेसिक टॉपिक, ठीक है? तो आओ आज हम लोग जानेंगे, देखते हैं, जैसे अपना सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, जैसे देखो मेरा कोर एरिया है अपने यहाँ अकाउंटेंसी, तो हम लोग क्लास 11 12th में बीकॉम में सीए और सीएमए फाउंडेशन में आप हमसे पढ़ोगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे वो हायर लेवल का नॉलेज हो, आपको मैं ए टू जेड प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? तो आओ हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे जानने के बारे में अकाउंटिंग, ठीक है? तो सबसे पहले आप जानने का कोशिश करोगे आपको अकाउंटिंग में पढ़ना क्या क्या है। हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग में, देखो बेटा की टर्म्स होता है, बहुत सारा की टर्म्स है। सबसे पहले हम सीखेंगे की टर्म्स। की टर्म्स में आप सीखोगे ट्रांजेक्शन क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है ना, एक्सपेंस आप किसको बोलते हो, जो बेसिक टर्म है फंडामेंटल जिसको आप बोलते हो, जिसके थ्रू आप ये जानोगे कि क्या चीजें हैं, उनकी प्रॉपर मीनिंग डिफिनीशन क्या है, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे अकाउंटेंसी की मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग की मीनिंग क्या है ना। तो धीरे धीरे हम लोग ए टू जेड सीढ़ियां चढ़ेंगे। अच्छा, हम मेरा मेन पर्पज है ये 11th एंड 12th, या इसके साथ अगर किसी भी पर्सन को बेसिक की क्लास करनी हो अकाउंटेंसी को, तो आपके लिए क्लास रिलेवेंट होगी, ठीक है? तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को यहां से अकाउंटेंसी में। सबसे पहले आप बात करोगे, ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी में बेसिक की। तो आ जाओ सब लोग लिख लो अकाउंटेंसी, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे हमारे साथ साथ अकाउंटेंसी की। आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं। सबसे पहले आप जानने की कोशिश करोगे कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो मैं लगातार से क्लास 11 क्लास 12 को पढ़ाता हूं, जब बच्चा मेरे पास आता है, जब मैं इससे पूछता हूं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का चाहे आईसी बोर्ड का है, तो बोलते हैं सर ये हमको नहीं पढ़ाया गया। तो दे बेटा एक चीज ध्यान रखो, हमको एकदम बेसिक स्टार्ट करके चलना है, ठीक है? तो यहां पर देखोगे, जब बात करोगे आप फादर ऑफ अकाउंटेंसी की, तो यहां पर लिखोगे ल्यूकस पैसिओली, ठीक है ना? ध्यान रखना, नाम बड़ा अटपटा है, ल्यूकस पैसिओली, ठीक है? ध्यान रखोगे एक्चुअल में ये रहने वाले कहां के थे। तो हम लोग देखो, जब बेसिक में दो तीन चीज पढ़ेंगे, जैसे फादर आप अकाउंटेंसी कौन है, ल्यूकस पैसिओली, इनकी एक बुक थी, इनकी जो बुक थी बुक का क्या नाम था, तो लिखोगे इनके बुक का नाम था डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस, ठीक है ना? लिखोगे सब लोग डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस, ठीक है? सॉरी, फिर से मैंने इसको लिख दिया ईटी, नाम बहुत अटपटा है, ठीक है ना? यस सी आर आई पी टी यू आर आई, ठीक। ध्यान रखोगे एक्चुअल में ये जो बुक है, ये बुक कैसी थी, मैथ्स की बुक थी, बट ध्यान रखो इसके कुछ पार्ट में हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया अकाउंटेंसी। क्या मिल गया बेटा हमको, हमको मिल गया अकाउंटेंसी। तो जनरली हमने क्या माना कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है आपका, फादर ऑफ अकाउंटेंसी है हमारे ल्यूकस पैसिओली अंकल, ठीक। अब ध्यान रखो इनकी बुक का क्या नाम रहा, इनकी बुक का नाम रहा डी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरिस, ठीक है? एक्चुअल में बुक किसकी थी, मैथ की, बट इसमें कुछ पार्ट हमको अकाउंटेंसी के मिल गए। अच्छा, तो हमने क्या मान लिया कि अकाउंटिंग की बिगिनिंग यहीं से हुई। अब बात यह उठती है ये बुक कब पब्लिश हुई थी, तो ध्यान दोगे आप ये बुक पब्लिश हुई थी 1494 में, और हम लोग मानते हैं कि अकाउंटिंग स्टार्टिंग या बिगिनिंग भी कब से हो गई, 1494 से।
ठीक है। तो ध्यान रखो कि जब भी आप बेसिक स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना इन बातों को, आपको ध्यान रखना, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे सीए फाउंडेशन हो, चाहे सीएमए फाउंडेशन हो, किसी भी बच्चे के लिए ये सारी क्लासे रिलेवेंट है। ठीक है, आते हम लोग आगे, यहां तक आप लिखें। अच्छा एक बात मेरी ध्यान रखो बेटा, जब भी आप पढ़ने बैठो, हालांकि देखो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चा लेट के बैठ के, लेट मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, लेट के देखते हैं क्लास को। आप हमेशा ध्यान रखो जब भी आप पढ़ने बैठो, कॉपी पेन प्रॉपर लेके बैठो, ठीक है ना। देखो अगर आप प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं तो आपको प्रॉपर नॉलेज होने वाला नहीं। ठीक है, आइए हम ज्यादा अननेसेसरी बातों को यहां नहीं करेंगे, नहीं आप बोलेंगे कि समय खराब करें। ठीक है, आते हैं फिर आगे हम लोग। देखो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। पहली बात है हमारा की टर्म्स। जब हम बात करेंगे की टर्म्स में, तो सबसे पहले हम की टर्म्स में ट्रांजेक्शन के बारे में, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे हिंदी के भी हैं, ध्यान रखो आपको हमारे यहाँ प्रॉपर क्लास हिंदी की भी पढ़ाई जाएगी, प्रॉपर क्लास आपको इंग्लिश की भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना जब ट्रांजेक्शन की बात करते हो, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेन देन। ठीक, या आप ध्यान रखना हम एक हिंदी की पूरी क्लास अलग अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो व्हाट इज मीन बाय ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। तो आते हम लोग यहां बात करेंगे, एक पार्टी यहां पर, इसका नाम है मिस्टर एक्स, और दूसरी पार्टी आपकी यहां पर, उसका नाम है मिस्टर वाई। ठीक है, अब ध्यान रखो मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को गुड सेल किया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना मिस्टर एक्स ने वाई को सोल्ड किया गुड्स। ये गुड्स कितने का सेल कर दिया इसने, 5,000 रुपए का, और मिस्टर वाई ने इनको ट्रांसफर कर दिया 5,000 रुपीज। तो ध्यान रखो इस पूरे प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया, इस पूरे प्रोसेस को आपने नाम दे दिया ट्रांजेक्शन। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉपर व्हाट इज मीन बाय ट्रांजेक्शन, तो हर बच्चा क्या कहता है, ट्रांजेक्शन का मतलब सर लेन देन होता है, बाइंग सेलिंग होता है। ध्यान दो हम लोग यहां पर प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग इसकी पढ़ने के लिए बैठे हैं। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। लिखोगे यहां पर पहला, जब बात करोगे ट्रांजेक्शन का, ध्यान रखना ट्रांजेक्शन इज अ मॉनेटरी टू वे प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रखोगे व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है बताओ भाई। तो लिखोगे आप यहां पर द ट्रांजेक्शन इन विच इन्वॉल्व मनी और मनी, लिखो आप मनी और मनी इज वर्थ लिखना था मुझको, जगह कम है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप यहां पर ट्रांजेक्शन क्या है, मॉनेटरी। व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी, ध्यान रखोगे जब भी मैं बात करूंगा ट्रांजेक्शन की, तो दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। ध्यान रखोगे सब लोग, हम एक कोल्ड ड्रिंक के दुकान पर गए और उससे 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक लिया, तो ध्यान रखो 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक लेना क्या है, आपका एक मॉनेटरी प्रोसेस है। हम क्या करें, उससे 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक के बदले उसको 20 रुपए पे कर रहे हैं। तो ध्यान रखना मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया, जो आपने उसको पेमेंट किया, बट आपकी मदर आपको क्या करा रही, खाना खिला रही है, आपके पापा आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में आपने उनको कोई अमाउंट नहीं पे किया। ध्यान रखो ये क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, और हमारे अकाउंटेंसी में केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को जगह दी गई है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या इमोशनल ट्रांजेक्शन को यहां से बाहर रखा गया है। ठीक, फिर देखो ध्यान रखो यहां पर एक वर्ड और आया है, ध्यान रखेंगे आप टू वे प्रोसेस। ध्यान रखो कि टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है, एक पर्सन आपके पास है सेलर और दूसरा पर्सन कौन है आपके पास, आपके पास है बायर। ठीक है, एक पार्टी सेलर हो गई, दूसरी पार्टी कौन होगी आपकी,
बायर हो गई, है ना। एक आदमी बेचने वाला है, दूसरा आदमी क्या है खरीदने वाला, इसी बात को आपको हमको बताना था, ध्यान रखोगे यहां तक। आगे बढ़ते हम लोग, तो यहां से आपको ध्यान रखना पहली बात क्लियर हुई, है ना। ट्रांजेक्शन क्या है, मोनिट्री टू वे प्रोसेस है बेटा। आ जाओगे आगे, आगे बढ़ोगे, देखेंगे हम लोग इसके बाद इसमें इन विच टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व, ध्यान रखोगे। अच्छा, जो बच्चा हिंदी वाला हो बैठ के लिखता भी रहा करे, ठीक है। इन विच टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अगर एक कोई सिंगल पार्टी चाहे कि वो अपने को सामान बेचे और अपने से सामान खरीदे, तो ध्यान रखो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखो कि यहां पर क्या बोला गया है, ये मोनेट्री टू वे प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां इन्वॉल्व है, क्योंकि एक सिंगल पार्टी खुद से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक। ध्यान रखोगे फिर तीसरी बात, तीसरी बात जब आप लिखोगे इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, वेयर गुड्स और सर्विसेज आर इन्वॉल्व, जहां पर गुड्स और सर्विस का इन्वॉल्वमेंट किया गया है। अब आप हमको एक बात और बताओगे, यहीं पर क्लियर करोगे, ध्यान रखो क्या मतलब होता है गुड्स का और क्या मतलब होता है आपका सर्विसेज का, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज की। देखोगे सब लोग गुड्स का मतलब क्या है, देखोगे आपको मैं बताता हूं एक्चुअल मीनिंग क्या है गुड्स की। एनी थिंग्स विच हैज पावर टू सेटिस्फाइंग ऑफ ह्यूमन वांट, ठीक है। ध्यान रखो कि ऐसी अगर आपसे मैं पूछता हूं गुड्स का मतलब क्या है, आप बताते हो सामान जो हम खरीदते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, अगर आपको आगे चल के सीए फाउंडेशन का क्लास करना है और या और भी कोई आपको क्लास करनी, आप एग्जैक्ट मीनिंग जानो कि गुड्स का मतलब क्या होता है। तो गुड्स का मतलब क्या है, जो ह्यूमन नीड्स को ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है। ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं करती है वो गुड्स की डिफिनेशन में कवर नहीं होती है, ध्यान रखोगे। फिर आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, एक बात और देखेंगे हम लोग, देखोगे गुड्स आर टेंजिबल। एक चीज ध्यान रखना, गुड्स और सर्विसेज दोनों की मीनिंग लगभग सेम है ना, ये भी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है और ये भी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करा है, बट ये क्या है आपका टेंजिबल है। बट ध्यान रखोगे आपकी सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आपकी इंटेंजिबल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखोगे गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो बट इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, कांट स्टोर, है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है, कांट स्टोर। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, है ना, इसको क्या कर सकते हो आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेबल है, बट ये कांट स्टोर और सेपरेबल। एक डॉक्टर से उसकी डॉक्टरी को आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे गुड्स आर हम क्या बेचेंगे, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन मतलब सामान को बेचना खरीदना, आप क्या बेचोगे, या तो गुड्स बेचोगे या तो सर्विस बेचोगे या तो दोनों बेचोगे, ठीक। तो देखोगे गुड्स क्या होता है या सर्विस क्या होती है, जो ह्यूमन नीड या ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, बट गुड्स को आप देख सकते हो छू सकते हो, टेंजिबल बेनिफिट ऑफ बंडल है। सर्विसेज क्या है आपकी, इनटेंजिबल बेनिफिट ऑफ बंडल है। गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, लास्ट लाइन आप लिखोगे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है, देखोगे फ्रॉम वन पार्टीज टू एन अदर ऑन
सम वैल्यू। तो ये पूरी डिफिनीशन हो गई बेटा हमारी ट्रांजेक्शन की, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चार लाइनें मैंने इसमें बताई है। ट्रांजेक्शन एक मोनिटरी टू वे प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, जिसमें गुड्स या सर्विस का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जिसमें लिखो वेयर गुड्स और सर्विसेज आर, जहां पर इन्वॉल्व लिखे हो इस इन्वॉल्व को हटाओ, आर ट्रांसफर और एक्सचेंज। एक चीज अभी मैंने आपकी छोड़ दी है, इसको भी आप क्लियर कर दो कि ट्रांसफर या एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब यहां पर है ओनरशिप के ट्रांसफर से, टीएफ का मतलब ट्रांसफर है ना। एक पार्टी से दूसरे पार्टी को जब गुड्स को आप सेल करते हो तो ध्यान रखो कि आप ओनरशिप और इसके राइट्स, राइट्स का मतलब क्या है, आपने रिस्क एंड रिवार्ड को ट्रांसफर कर दिया है ना। तो ध्यान रखोगे, अगर मैं आपको अपना फोन सेल कराऊं उसका पैटर्न लॉक ना बताऊं, क्या वो फोन सेल माना जाएगा नहीं माना जाएगा, तो इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, ओनरशिप का मतलब, ओनरशिप का मतलब जो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल राइट उसके। ठीक, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन क्या है आपका, ट्रांजेक्शन एक मोनिट्री टू वे प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, जहां पर आप क्या कर रहे हो, गुड्स या सर्विस को ट्रांसफर एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर ऑन सम वैल्यू। जैसे ही देखो ये बात करता है सम वैल्यू की, वैसे ही ये बात कर देता है प्राइस की, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैल्यू का मतलब यहां पर, वैल्यू से मतलब किससे है बेटा, प्राइस से, या आप इसको बोल सकते हो मोनेट्री कंसिडरेशन से है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, तो जिस वैल्यू पे आप सामान को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हो वही ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अगर आप चाहो यहां पर आपका फीचर्स भी निकल सकता है। देखोगे अगर हम लोग बात करें फीचर्स की, तो यहां पर क्या हो गया, एट लीस्ट टू पार्टीज, फिर There must be goods and services. फिर the goods and services must be transferred. ठीक है, फिर सम वैल्यू, वैल्यू किसकी होगी बेटा, वैल्यू होगी आपके गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ की। ठीक है, तो ये सब आपके फीचर्स हैं, यहां तक आप लोग चाहो आराम से नोट कर सकते हो। हर बच्चा द कॉमर्स ऑफ फैकल्टी, ठीक है, द कॉमर्स ऑफ फैमिली का सारा बच्चा इन सभी बातों को नोट करेगा और हर आदमी को एक प्रॉपर डिफिनीशन प्रोवाइड करेगा कॉमर्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखोगे यहाँ पर, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बताओ। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग को जो लिखना है, देखोगे इसमें मोनेट्री कंसिडरेशन, मोनेट्री कंसिडरेशन आर इन्वॉल्व। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। मोनेट्री कंसिडरेशन जो टर्म यहां पर आया है वो किसके लिए है, जरा ध्यान दो। अगर हमने इस पेन के बदले में आपसे दूसरी पेन ले ली, दैट इज नोन एज एक्सचेंज और ट्रांसफर, दैट इज बार्टर सिस्टम। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा, बार्टर सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप हमारे यहां पढ़ने आए हो, बोले सर मैं आपको फीस नहीं दूंगा, मैंने बोला वाह बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आप मुझको फीस नहीं दोगे मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक, अब आपने बोला सर मेरी एक फोन की दुकान है, मैं आपको फीस नहीं दूंगा, आपको फोन प्रोवाइड करूंगा, आपको फोन पुराना हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक्सचेंज हो गया, वो आपका ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, या ट्रांजेक्शन मान भी सकते हो अगर आप चाहो, वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, बट ध्यान रखो अगर मोनेट्री कंसिडरेशन, पैसा नहीं इन्वॉल्व है, तो ध्यान रखना वो ट्रांजेक्शन नहीं ट्रीट किया जाएगा।
इसलिए ध्यान रखना कि आप मॉनिटरी टर्म्स को उसमें इन्वॉल्व करो अगर आपको उसको ट्रांजेक्शन ट्रीट करना होगा तो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताएं आप? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, आराम सब लोग लिख लोगे। दूसरा पॉइंट पर आ जाओ सब लोग। इसी में एक टर्म है इवेंट, घटना जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, घटना है ना। अभी मैंने आपको पढ़ाया ये दो पार्टी थी, ये कौन था बेटा और ये कौन था वाइफ। ठीक है, इसने इसको क्या किया, सामान बेच दिया है ना, इसने इसको सामान बेचा। कितने का सामान बेचा, 5,000 का। इसने इसको 5,000 रुपये दिया। अब ये जो सामान इसने बेचा है, आप देखोगे इसकी प्राइस कितने की है, 5,000 की नहीं, बट चेक करें हम तो इसको बेचा हमने कितने में, 5,000 रुपये में। इसमें लागत कितनी लगाई हमने, 4,000 रुपये। हमने इसमें कमाया कितना, 1,000 रुपये। ये आपका प्रॉफिट है। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो ट्रांजेक्शन होता है इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है कि ये प्रॉफिट अर्न करे, है ना। हमारा मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न, बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इवेंट का जो डिफिनेशन निकला है आपके यहां, वो क्या निकला है, वो निकला है इवेंट इज दी रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक लाइन की डिफिनेशन है, प्रॉपर आप याद कर लोगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे जो ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है वही क्या है आपका, यही इवेंट है। ठीक है, आ जाओगे इसके बाद सब लोग। इसके बाद हम लोग आएंगे एसेट्स में। चलो लिखो सब लोग, पॉइंट नंबर थर्ड, एसेट्स के बारे में बात करें, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, संपत्ति। ठीक है, पूरा माल लिख दिया मैंने, ठीक है, हलन्त लगा दिया, ध्यान रखोगे। बताओ बेटा एसेट क्या होता है। देखोगे सबसे पहली बात है, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस, है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूल्यवान संसाधन। ठीक, तो एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स। आज की डेट में अगर आप चाहो एक स्कूटर खरीदो, टूटा फूटा पुराना, बट ध्यान रखो क्या स्कूटर का कोई वैल्यू है। ध्यान रखो पुराना वाला कंप्यूटर जो बड़ा सा मॉनिटर टाइप का है, क्या उसका कोई वैल्यू है, तो ध्यान रखो, क्योंकि वो क्या है, वैल्यू लेस है। और ऐसी कोई भी चीज जो वैल्यू लेस है वो एसेट नहीं, एसेट है। अभी उसको हम लोग आएंगे उसके टाइप्स में डिफाइन करेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एसेट कैसे नहीं, ठीक है ना। तो वो सारी बात की बात है, यहां पर हमको ध्यान रखना है एसेट क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, विच इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय बिजनेस ओनर। ध्यान रखो जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, उसके बिजनेस का मालिक कर रहा है, इस बात को ध्यान रखो। तो पहली बात वैल्यूएबल रिसोर्स, दूसरी बात क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस का मालिक। मेरी गाड़ी पर कोई ईटा मार रहा है, मैं भी क्या करूंगा, उसको भी मारूंगा पकड़ के ना, क्यों भाई, मेरी मैं उसका मालिक हूं, मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, तो ये जो ओनरशिप है ये वेरीफाई कर रही है कि भाई उसका मालिक कौन है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर पॉइंट नंबर तीन देखोगे, पांच पॉइंट है एसेट की डिफिनेशन में, और सारे बच्चे मेरे द कॉमर्स ऑफ फैमिली के इसको बहुत प्रॉपर रन करोगे, ठीक है ना, जिससे कि आप इस डिफिनेशन को क्लियर करो। आज भी बहुत सा बच्चा आता है, मैं पढ़ाता नहीं तो पूछता हूँ कि बेटा एसेट का मतलब क्या होता है, बताता है एसेट का मतलब क्या है, जिससे हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना,
तो आप ऐसी डिफिनीशन नहीं बताएंगे, ऐसा चीज को आप बताओ जिससे कि सामने वाला सुने, उसको भी अच्छा लगे, आपको बताने भी अच्छा लगे, ठीक है? तो आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर थर्ड पर। पॉइंट नंबर थर्ड देखोगे, विच इज हेल्पफुल इन दी रनिंग एंड ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जो क्या कर रहा है, जो बिजनेस की सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, कैसे उसको रन कराने, उसके संचालन में, उसके ऑपरेशन में या उसके मैनेजमेंट में, किसके, जिसके लिए आप उसको परचेस करते हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है? आगे बढ़ोगे फिर आपका 3 पॉइंट क्लियर है, वैल्यूएबल रिसोर्स कंट्रोल मैनेज बाय ओनर, फिर हेल्पफुल इन दी रनिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, फिर सर्टेन लाइफ साइकिल, जिसकी एक सर्टेन लाइफ साइकिल है। व्हाट इज मीन बाय सर्टेन ए स्पेसिफिक लाइफ साइकिल, है ना? देखो कि सर्टेन लाइफ, हर एक एसेट का एक निश्चित जीवन काल है। कुछ समय के बाद हम लोग भी चले जाते हैं, है ना? पहले बच्चा, फिर बालक, फिर जवान, फिर बुढ़ा, फिर भगवान के पास। इस तरह कोई एसेट आप परचेस करते हो, पहले नया, फिर कुछ दिन बाद थोड़ा पुराना, फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है? तो एसेट की एक सर्टेन लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल के बाद, या इसी को क्या बोलते हो आप, इसी को बोल सकते हो इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, है ना? आर्थिक जीवन चक्र जिसको आपने नाम दिया, ठीक है? आगे देखो कि लास्ट इट इज नॉट रीसेल इन द बिजनेस, जिसको आप बिजनेस में बेचते नहीं हो, ठीक है? तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखोगे, यही आपकी प्रॉपर मीनिंग है एसेट्स की। यहां तक कोई समस्या हो आप बताओ। ठीक है, तो 5 बातें ध्यान रखेंगे आप, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स कंट्रोल मैन बाय बिजनेस ओनर, है ना, विच इज हेल्पफुल इन दी रनिंग एंड ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, है ना, फिर सर्टेन या इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, फिर रीसेल इन दी बिजनेस। तो आगे बढ़ता हूं मैं, अब आता हूं आपको क्लियर कराता हूं यहां पर टाइप ऑफ एसेट्स। तो जब भी आप देखोगे एसेट्स के कई टाइप, ठीक है, एसेट्स के कई सारे टाइप हैं। जैसे सबसे पहले जब हम डिफाइन करेंगे यहां पर, तो आपको बताएंगे कि एक होती है आपकी नॉन करेंट एसेट्स और दूसरी होती है आपकी करेंट एसेट्स। ध्यान रखोगे आप लोग यहां पर, चलो छोड़ो ऐसी रहने, स्टेबल माइंडेड मोड, चलो अभी नया है, मुझको कम समझ में आ रहा है, ठीक, हटा देते हैं इसको। अब आप ये हमको बताओ कि ये नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है और ये करेंट एसेट्स क्या होती है। आ जाओ सब लोग, सबसे पहले हम जानेंगे नॉन करेंट एसेट के बारे में, ठीक है? लिखोगे द एसेट्स
विच इज हेल्पफुल इन द रनिंग एंड ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज नॉन करेंट एसेट, है ना। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया NCA, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखोगे इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, है ना। ध्यान रखोगे ऐसी एसेट जो बिजनेस यूनिट में है बट ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशन वो क्या है, फिक्स है, है ना। तो ध्यान रखो आपने उसको क्या नाम दिया, नॉन करेंट एसेट, जो क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस को रन ऑपरेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया फिक्स्ड एसेट। इस बात को आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे करेंट एसेट्स के बारे में, देखना चाहेंगे सब लोग करेंट एसेट्स में। देखिए, देखोगे ऐसी एसेट्स जो वन ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्ट हो जा रही है, वन ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्टेड इंटू कैश। अब वन ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, 12 महीने, है ना। ध्यान रखो हमारा ईयर स्टार्ट होता है कब से, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है 31 मार्च को। इस इतने के बीच क्या है, 12 महीने की नहीं, तो इस पूरे समय को आपने नाम दिया वन ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऐसी एसेट जो इसके अंतर्गत इन 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाती है वही आपकी करंट एसेट, ठीक है। आ जाओ फिर आगे आ जाओ, इसके बाद हम लोग देखेंगे बात करेंगे हम लोग नॉन करेंट एसेट्स की। तो ध्यान रखो कि इसमें दो हैं आपके पास, एक है आपके पास टेंजिबल एसेट्स और दूसरी है आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स। अब हमको ध्यान लगाना है कि हमारी टेंजिबल एसेट्स क्या होती है। देखोगे आप जब बात करेंगे हम लोग टेंजिबल एसेट्स की, तो देखोगे द एसेट्स विच इज फिजिकली प्रेजेंटेड इन द बिजनेस यूनिट, ऐसी एसेट जो बिजनेस यूनिट में प्रेजेंट है उसको आपने क्या नाम दिया, टेंजिबल। तो जो नॉट प्रेजेंट है या नॉट प्रेजेंटेड है वो क्या होगी आपकी, इनटेंजिबल। फिर ध्यान रखो आप दूसरी बात, बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एसेट्स आर यूज्ड बाय बिजनेस, ठीक है, जिसका बेनिफिट बिजनेस लेता है। इट कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ठीक है।
अब देखो दूसरी बात, इसका भी बेनिफिट, बट बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एसेट्स इज यूज्ड बाय बिजनेस। ध्यान रखोगे इसको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी सीन और टच। तो ध्यान रखेंगे दोनों में डिफरेंस कहां पर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस तीन पॉइंट से आप क्लियर करेंगे। पहला क्या है, टेंजिबल एसेट का मतलब क्या हो गया, जो फिजिकली प्रेजेंटेड है बिजनेस यूनिट, और जो फिजिकली प्रेजेंटेड नहीं है वो क्या होगी आपकी इनटेंजिबल। देखोगे बेनिफिट आप दोनों का यूज करोगे, ये है और इसका बेनिफिट यूज करो, ये नहीं है फिर भी बेनिफिट यूज कर रहे हो, फिर इसको आप क्या कर सकते हो, देख छू सकते हो और इसको आप देख छू नहीं सकते हो। जो बात पेपर में आती है वो ध्यान देंगे हम लोग, देखेंगे डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज करते हो, सबसे बड़ी बात है, यहां से कई बार एमसीक्यूज बनता रहता है। और यहां पर देखोगे राइट ऑफ होता है और यह एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो यहां तक की बात है हम लोग जो आज की अपने क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसमें हम लोग जाने हैं उसके की टर्म्स क्या हैं, फिर मैंने आपको इसमें बताया की टर्म्स में ट्रांजेक्शन, इवेंट और एसेट के बारे में, ठीक है। तो और भी बहुत सारे जो की टर्म्स हैं इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सबको टाटा और बाय बाय। आइए आशीष सर।